हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन वे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज हम पूरा वीडियो कवर करने वाले हैं हिबिस्कस प्लांट के ऊपर, गुड़ेल प्लांट के ऊपर, ठीक है। अब इसमें मैं आपके साथ 5 to 7 ऐसे काम कवर करने वाला हूँ जो आप अलग अलग वीडियोज़ में देखते हैं, तो आपको इसी वीडियो के अंदर आपका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अपने हिबिस्कस प्लांट की केयर कैसे करनी है, उसको ग्रो कैसे करना है और किन किन मेथड से हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है और किस सीज़न में वो सबसे बेस्ट ग्रो होगा, ठीक है। ओके, अब मैं पूछता हूँ एक सवाल और आप देना उसका एक जवाब। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके पास कितने हिबिस्कस के प्लांट हैं, मतलब कितने टाइप ऑफ फ्लावर है, ठीक है। मैं मेरा बताता हूँ। सबसे पहले तो वाइट, रेड, ऑरेंज, पिंक कलर का है। पिंक कलर के एक्चुअल में दो है, एक सिंगल पेटल, एक डबल पेटल, और एक और ऑरेंज में है, वो है डबल पेटल, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 6 प्लांट हो गए हैं हिबिस्कस के, मतलब 6 कलर के प्लांट हैं, ठीक है। अब आप बताना आपके पास कितने कलर के प्लांट हैं हिबिस्कस के। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, आपके हिबिस्कस प्लांट को हेल्दी कैसे बना के रखना है और उसको कंटिन्यूसली फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए कैसे मजबूर करके रखें, वो भी एक पॉट के अंदर। इसमें दोस्तों 2-3 पॉइंट है, बट इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्लांट को राइट टाइम पे राइट फर्टिलाइज़र देना, जिससे आपका प्लांट ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करके रखे और अपने आप को ग्रो करता रहे और फ्लावर प्रोड्यूस करता रहे। तो हमारे इस फर्टिलाइज़र का नाम है लिक्विड बनाना पील फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या क्या है वो आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो ये इसकी ओवरऑल रूट्स की ग्रोथ को बढ़ा देता है, हमारा पोटेशियम कंटेंट जो कि बनाना के अंदर होता है। और जैसे ही आप अपने प्लांट को पोटेशियम देते हैं ना, तो उसकी फोटोसिंथेसिस करने की पावर बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा खाना बना सकता है। रूट ग्रोथ के साथ साथ आपके प्लांट को वो एक ड्राउट कंडीशन टॉलरेट करने में भी मदद करता है। तो मतलब बनाना लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे ही नहीं, बहुत काम की चीज़ है, इसलिए देख लो ये कैसे बनाया जाता है। आप यहाँ पर डायरेक्टली बनाना पील को यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको ड्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आपको सिर्फ 2 दिन का वेट करना है और 2 दिन के बाद आपके बनाना पील के अंदर से जितना भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, मतलब जितना भी पोटेशियम या फिर ओवरऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे पानी में डिजोल्व हो जाएंगे और उसके बाद आप अपने प्लांट में इजीली डाल सकते हैं। नियरली 40 डेज के बाद दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे, आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता जाएगा और आपके फ्लावरिंग की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट की ओवरऑल हेल्थ में भी आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्लांट है जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दे के इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इसकी रूट्स के अंदर और ज़्यादा पावर दे दिए। बस यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है, आपके प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है और इसको पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी आपका प्लांट इतना ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2, हिबिस्कस बॉन्साई। दोस्तों, गुड़ेल का प्लांट अपने आप में वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है, बट अगर आप उसको एज ए बॉन्साई ग्रो करते हैं ना, तो बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका लाइव एग्जांपल, कितने प्यारे प्यारे रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक छोटे से बॉन्साई ट्रे के अंदर। चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं हिबिस्कस बॉन्साई कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर तो आपको एक हेल्दी हिबिस्कस का प्लांट लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने जो कटिंग ग्रो करी थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो हमने सोचा इसको क्यों ना ऐसे बॉन्साई ग्रो किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस भी आ रही है और प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो सबसे पहले हमने हमारे इस पॉट के अंदर से इसको रिमूव करा। प्लांट को पॉट में से निकालते वक्त आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उसका रूट बॉल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए कोशिश करना आपका सॉयल मिक्स का बॉल पूरा पूरा बाहर यूं ही निकल जाए। बॉन्साई ट्रे की हाइट नॉर्मल पॉट से बहुत कम होती है, तो आपको यहाँ पर सॉइल थोड़ी सी रिमूव करनी होगी। और हिबिस्कस प्लांट को अगर आपको ऐसे रिमूव करना है तो हल्के हाथों से आप रिमूव कर दीजिए, प्लांट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। बिना रूट को डैमेज किए हुए हमने हमारा सारा रूट बॉल फ्री कर दिया है हमारे सॉइल मिक्स से। चलिए न्यू सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं जो कि होगा बॉन्साई ट्रे के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इक्वल रेशियो में हमारा सारा मिक्स पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो नॉर्मल गार्डन सॉइल कोकोपीट लेना है, जिससे सॉइल के अंदर मॉइस्चर रिटेन रहे, और उसके बाद फर्टिलाइज़र के लिए हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, और तीनों ही इक्वल क्वांटिटी में है। यहाँ पर हम वाइट कलर की बॉन्साई ट्री ले रहे हैं, जिसकी हाइट नियरली 3 से 4 इंचेस के आसपास ही है। तो यहाँ पर हमारा हिबिस्कस प्लांट रेड फ्लावर के साथ इसमें बहुत खूबसूरत लगने वाला है। चलिए हिबिस्कस प्लांट को लगा देते हैं, और ड्रेनेज होल को आप या तो पेपर से या फिर किसी भी स्टोन की मदद से कवर करके रख दीजिए, और सॉइल भर के अपने प्लांट को एकदम सेंटर में लगाना है, जिससे प्लांट
बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपकी प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा रूट है तो उसे कट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो डेफिनेटली आप कट कर सकते हैं और प्लांट को ऐसी सिचुएशन में रखना है जहां पर प्लांट के ऊपर ओवरहीटिंग ना हो, या फिर आप अपने प्लांट को इस प्रोसेस के बाद कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रख सकते हैं जिससे प्लांट रिकवर हो जाए और अपनी रूट्स को अच्छे से सेट कर दे। फाइनली हिबिस्कस प्लांट बॉन्सेट ट्रे में लग चुका है, चलिए इसको वाटर पिला देते हैं और इसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करेंगे और थोड़ा सा इसको शेप में लेके आएंगे। नियरली 40 डेज के बाद आप नोटिस करेंगे आपके हिबिस्कस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा कलियाँ आ गई है, आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया है और ये सारा दोस्तों सूटेबल एनवायरनमेंट होगा तभी पॉसिबल होगा। अगर आप हार्श सनलाइट में ये सारा काम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट फर्टिलाइज़र, राइट सॉइल मिक्स और राइट अमाउंट ऑफ वाटर देंगे तभी जाके आपका हिबिस्कस प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्लांट हेल्दी होने के साथ साथ अब फ्लावरिंग पर आ गया है। चलिए देखते हैं ये फ्लावर कितने दिन में निकलता है। प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए यहाँ पर दोस्तों हम सॉइल की थोड़ी सी गुदाई करेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है प्लांट को न्यूट्रिशन हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट का एक डोज देंगे, मतलब पॉट के हिसाब से 50 से 100 ग्राम इनफ होगा। नियरली 3 डेज हो चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था ना व्हाइट पॉट के साथ रेड कलर का फ्लावर काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है और यहाँ पर फ्लावर की साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पॉट के हिसाब से भी, और हमारी जो कलियाँ आ रही हैं उनकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और इसके सॉइल के अंदर काफ़ी अच्छा न्यूट्रेंट है। चलिए फाइनल लुक देख लेते हैं हमारे बॉन्साई का और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। सो फाइनल लुक हमारा ये रहा और दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारा प्लांट। अब दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप इस बॉन्सेई बनाने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। प्लीज़ अपना कमेंट या फिर अपना थॉट जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नंबर 3, रिपोर्टिंग योर हिबिस्कस प्लांट। अब दोस्तों अगर आपका हिबिस्कस प्लांट कुछ इस तरीके का है, मतलब उसके ऊपर कोई भी लीफ वगैरह डेवलप नहीं हो रही है, प्लांट एकदम रूखा सूखा सा है, तो अब आपका प्लांट ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्लांट के अंदर कोई भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लांट की प्रूनिंग करनी होगी। हल्की फुल्की प्रूनिंग करने से भी ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है और पूरे प्लांट में फैल जाता है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि कहीं आपका प्लांट रिपोर्टिंग तो नहीं मांग रहा है, मतलब अगर एक साल से ज़्यादा हो गया है अगर आपका प्लांट, तो डेफिनेटली आपको रिपोर्ट करना बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्लांट ने कितनी ज़्यादा रूट बाउंडिंग कर दी है, तो इसकी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब अगर रूट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी तो प्लांट अपने टॉप पार्ट को भी ग्रो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर हमें रूट्स को कम करना होगा, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा सॉइल रिमूव करनी है आउटसाइड से कम 1 इंच और फिर बेस से आपको कम से कम 1 से 2 इंच की सॉइल रिमूव करके एक्स्ट्रा रूट्स कट करनी है। चलिए प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा फर्टिलाइज़र होगा दोस्तों बनाना पील फर्टिलाइज़र और फ्रेश न्यू सॉइल, जिसके अंदर हम हल्का सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देंगे। बनाना पील फर्टिलाइज़र दोस्तों धीरे धीरे 20 से 25 दिन में डिकम्पोज होने लग जाएगा और न्यूट्रिएंट्स अपने प्लांट को देने लग जाएगा, ठीक है। नियरली 30 डेज हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के साथ बहुत सारी कलियाँ होने के साथ साथ अब ये फ्लावरिंग पर भी आ गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने प्लांट को ऐसे ही ट्रीट करें और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। नंबर 4, हिबिस्कस कटिंग। और दोस्तों अगर आपको रिजल्ट 100% चाहिए तो आपको डेफिनेटली एक ग्रीन कटिंग ही लेकर आनी है, जिस पर बहुत सारी लीफ हो या फिर बहुत सारी कलियाँ हो, ऐसी कटिंग ही सेलेक्ट करनी है। कटिंग को जब भी आप ग्रो करें सबसे पहले तो इनकी सारी लीफ रिमूव कर दें और आपकी कटिंग की साइज़ मिनिमम से मिनिमम 5 से 6 इंच होनी चाहिए, इससे आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलता है। लो जी हमारी कटिंग तो रेडी हो गई है, बट यहाँ पर दोस्तों हम एक एक्सपेरिमेंट रन करने वाले हैं। वो होगा दोस्तों एक तो हनी के अंदर एक रूटिंग हार्मोन और एक वाटर के अंदर हम हमारी कटिंग्स को ग्रो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पॉट रेडी कर लिए हैं, चलिए पॉट को सब प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉइल के लिए हम यहाँ पर कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं और वाटर के लिए हम दोस्तों थर्माकोल यूज़ कर रहे हैं, जो आपको आगे समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए एक एक करके हम कटिंग लगा देते हैं। सबसे पहले हिबिस्कस कटिंग को ग्रो करने के लिए हम यहाँ पर रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट हम हनी का यूज़ करेंगे क्योंकि इसको भी हम एज ए रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। चलिए रिजल्ट देखते हैं दोनों का क्या आता है। सबसे पहले हम वाटर वाले को भी एक बार ग्रो करके देख लेते हैं। कटिंग लगाते समय हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका वाटर लेवल या फिर मॉइस्चर लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, तो रेगुलर टाइम टू टाइम आप अपनी कटिंग्स को वाटर देते रहिए और जो कटिंग वाटर में ग्रो हो रही है उसको पानी देते रहिए। नियरली 10 डेज में ही आपको स्मॉल स्मॉल कटिंग्स में आपको स्प्राउट्स नज़र आने लग जाएंगे या फिर स्मॉल स्मॉल लीफ नज़र आने लग जाएगी। इसका मतलब दोस्तों आपकी कटिंग रेडी है और वो ग्रो हो रही है।
और सेम ग्रोथ आपको वाटर में भी नज़र आने लग जाएगी। आपकी कटिंग के अंदर स्मॉल स्मॉल लीफ ग्रो होने लग गई है और अब यहाँ पर दोस्तों जो रूट्स होती है उनके पॉइंट भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। एंड फाइनली रिजल्ट आफ्टर 20 डेज। यहाँ पर दोस्तों हमने जो रूटिंग हार्मोन लगाया था वो वाली कटिंग तो 100% ग्रो हुई है, बट जहाँ पर हमने हनी यूज़ करा था उस कटिंग के अंदर ग्रोथ नहीं हुई है जबकि वो ख़राब हो चुकी है। तो आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको रूटिंग हार्मोन यूज़ करना है। और हमारे वाटर में भी सेम हुआ है, एक कटिंग ग्रो हुई है और एक कटिंग रह गई है। नंबर 5, हिबिस्कस ग्राफ्टिंग। और अगर एक ही प्लांट पर आपको मल्टीपल फ्लावर चाहिए उसके लिए आपको ग्राफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ग्राफ्टिंग करना इतना ईजी नहीं होता है। वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करनी है ग्राफ्टिंग, बट अगर आपने ग्राफ्टिंग नहीं करनी है तो एक और मेथड है, उससे हम मल्टीपल फ्लावर एक ही पॉट के अंदर से ले सकते हैं। ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक पेंसिल साइज़ की स्टेम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। इससे पतली होगी तो दोस्तों हो सकता है वो ब्रांच सूख जाए, इसलिए पेंसिल साइज़ बेस्ट होता है। आसपास की जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उन सबको रिमूव करना है और एक वी कट लगाना है, वो भी ब्रांच के सेंटर में। अब सेम साइज़ की आपको एक और ब्रांच सेलेक्ट करनी है और उसको भी एक वी शेप में कट करना है, और ऐसा कट करना है कि आपकी जो मेन ब्रांच है उसमें ये इजीली स्लाइड हो जाए। बहुत इजी है ना दोस्तों, बट इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा फास्ट करना और बस आपको इसको इजीली स्लाइड करना है अपनी मेन ब्रांच के अंदर, और बस ग्राफ्टिंग टेप का यूज़ करके इसको अच्छे से टाई अप कर दीजिए। एंड फाइनली मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी पॉलीथिन यूज़ करेंगे जो मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके रखेगी और आपकी इस ग्राफ्टिंग को ड्राई नहीं होने देगी। यहाँ पर दोस्तों हम 2 प्लांट को साथ में ज्वाइन करेंगे स्टेम से लेके रूट तक, और ये सेकंड मेथड है। इसमें दोस्तों आपको अपने रूट बॉल को सॉइल से फ्री करना होगा। उसके लिए आप या तो सॉइल को धीरे धीरे अपने हाथों से रिमूव कर दीजिए या फिर पानी में डाल के इनकी सॉइल को हटा दीजिए। और अगर ये वाला मेथड डिटेल में देखना हो तो हमारे इंग्लिश वाले चैनल को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। उस चैनल का नाम है गार्डन आइडियाज़। यहाँ पर दोस्तों अब हमने सॉइल से फ्री कर दिया हमारे प्लांट को, तो अब यहाँ पर हम दोनों प्लांट को ईजिली टाई अप कर सकते हैं एक साथ। तो स्टेम से लेकर रूट तक आपको दोनों को कस के बांधना है और बस एक न्यू पॉट में ग्रो कर दीजिए। नंबर 6, हाइड्रोपोनिक मेथड है दोस्तों ये, और वो भी हिबिस्कस कटिंग को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीके से हम हिबिस्कस प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और यहाँ पर आप रिजल्ट भी उसका देख सकते हैं। हमारे प्लांट की कटिंग हमने काटी भी नहीं और यहाँ पर एक साइड में से हमने रूट निकाल दी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, पेंसिल साइज या उससे थोड़ी सी मोटी चलेगी। अब यहाँ पर आपको एक शार्प नाइफ लेना है और आपको नियरली हाफ ऑफ द ब्रांच कट करनी है जो हम बॉटल के अंदर घुसाएंगे। बॉटल में ऐसा कट लगाना है कि आपकी ब्रांच जब आप फ्री करें तो आपकी ब्रांच की सारी रूट इजिली उस होल में से निकल जाए। तो यहाँ पर आप 1 इंच का होल इजिली बना सकते हैं। अब आप इस बॉटल को टाई अप कर दीजिए और बस इसमें पानी भर के छोड़ दीजिए शेडी एरिया में। नियरली 20 डेज के बाद आपके प्लांट की कटिंग रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप बॉटल फ्री करके अपनी ब्रांच को अपनी मदर प्लांट से फ्री कर सकते हैं और इसको न्यू पॉट में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप बहुत इजी वे में अपनी बॉटल को रिमूव करना प्लांट से, और बस फाइनली हमने हमारी रूट्स फ्री कर दिए। तो अब मदर प्लांट से अपनी मेन ब्रांच को रिमूव करके इसे हम पॉट में ग्रो कर देते हैं, और कुछ दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में रखना। जैसे ही इसके अंदर न्यू ग्रोथ नज़र आती है और बस उसके बाद आप अपने प्लांट को धीरे धीरे करके सनलाइट में रख सकते हैं। 7th, प्रूनिंग हिबिस्कस। यहाँ पर दोस्तों गुड़ेल के प्लांट को प्रून करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक समय पर आने के बाद अपनी ग्रोथ को रोक देता है, और ग्रोथ रुक गई तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी और आपके फ्लावर बड भी गिरते रहेंगे जो एक दो ही आते रहते हैं। प्रूनिंग के बाद दोस्तों टॉप लेयर की सॉइल रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं। जैसे जैसे हम वाटर डालते हैं यहाँ टॉप लेयर पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो टॉप लेयर की सॉइल को हम फिर से फर्टाइल बनाएंगे और प्लांट की जो फाइब्रस रूट्स होती है उनको एक एनर्जी देंगे, और जितने भी वीड्स वगैरह हैं वो तो रिमूव करना ही है। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना है और बस वाटर डाल दीजिए और उसके बाद आप वेट करिए थोड़ा सा अपने प्लांट को फिर से ग्रो होने का, और बस आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का होगा, आपका प्लांट पूरा फ्लावर से भर जाएगा। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और एंड तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।